महीने के आखिरी में एशिया कप 2022 खेला जाना है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का चयन होना है। इसमें कुल 15 खिलाड़ियों की जगह रहती है, लेकिन इस बार 15 की जगह टीम में 17 खिलाड़ियों को चुना जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में चौंकाने वाली बात यह है कि उन 17 खिलाड़ियों में मोहम्मद शमी का नाम शामिल नहीं है। दरअसल सिलेक्टर्स ने उन्हें फरमान सुना दिया है, ये संदेश भिजवा दिया है कि उनका T20 इंटरनेशनल करियर खत्म हो चुका है। अब वो अगर टीम में चुने जाएंगे तो सिर्फ वनडे या फिर टेस्ट फॉर्मेट के लिए। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शमी को लेकर के ये खबर एक क्रिकेट वेबसाइट इनसाइड स्पोर्ट में छपी है। मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी T20 मैच T20 वर्ल्ड कप 2021 में खेला था। तब से लेकर अब तक टीम इंडिया ने हर्षल पटेल और दीपक चहर जैसे कई गेंदबाजों को भी आजमाया है, और इसकी बड़ी वजह ये थी कि सिलेक्टर्स को शमी का विकल्प ढूंढना था। शमी की तरह ही वॉशिंगटन सुंदर भी भारत के T20 वर्ल्ड कप 2022 के प्लान का हिस्सा नहीं है। इनसाइड स्पोर्ट्स से बात करते हुए टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी के एक सदस्य ने कहा, शमी अब युवा नहीं रहे, ऐसे में हम उन्हें टेस्ट के लिए तरोताजा रखना चाहते हैं। यही वजह है कि हम उनके नाम पर T20 इंटरनेशनल में विचार नहीं कर रहे हैं। हमने पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद उनसे बात भी की थी। उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर के हमने उनसे ये बात की थी कि अब हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। अब से वो हमारे T20 प्लान का हिस्सा नहीं होंगे और हम सिर्फ युवाओं पर फोकस करेंगे। मोहम्मद शमी के अगर T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत के लिए उन्होंने 17 T20 मैचेस खेले हैं और इन 17 मैचेस में उनके खाते में सिर्फ 18 विकेट आए हैं। इस दौरान उनका औसत 31.55 का रहा था, जबकि उनका बेस्ट प्रदर्शन 15 रन देकर 3 विकेट चटकाने का था। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, और आगे इस तरह की न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए खबर बेबाक को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।